हाय फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि घमूरी होने पर काफ़ी खुजलाता है, बेचैनी बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा घमूरिया क्यों होता है, घमूरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खे भी बनाना सिखाऊंगा। तो अगर हमारे यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा घमूरी कई कारण की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर आप गीले कपड़े पहनते हैं, गीले कपड़े पहनने के कारण क्या होता है कि पसीने सूख नहीं पाते, इसके चलते भी घमूरिया होती है। कभी कभी दोस्तों हम ऐसे ही बिना मतलब पानी सूखे कपड़े पहन लेते, इससे भी घमूरिया होने का खतरा रहता है। सबसे पहले घमूरिया हो गए तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको घमूरिया हो गए तो आप खुजलाना बंद कर दीजिए। अगर घमूरी होने पर खुजलाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से फैलने लगते हैं। आपको अच्छे साबुन का प्रयोग करना है, जैसे कि डेटॉल वगैरह। चलिए मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताता हूँ। घरेलू नुस्खे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बने बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं डेली बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके। घमूरी होने के कई रीजन होते हैं, कई कारण होते हैं, बट दोस्तों घमूरी ठीक करने के लिए आप घरेलू नुस्खे का ही प्रयोग करें। मार्केट में मिलने वाले आपको लोशन या क्रीम वगैरह नहीं लगाना है। ये क्या करता है, मार्केट में मिलने वाले क्रीम या लोशन बहुत ही बाद में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन एलर्जी का काम करते हैं। तो नुस्खे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें दो ही चीजों का प्रयोग करना है। अगर आप भी कुछ नुस्खे की जानकारी रखते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारियां, घरेलू नुस्खे जानते हैं, आयुर्वेदिक दवा जानते हैं, तो आप हमें जीमेल आईडी पे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपके चैनल का लिंक और आपकी वीडियो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नुस्खे किस तरह से तैयार करनी है। नुस्खे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से एलोवेरा जेल निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक चम्मच एलोवेरा का जेल निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने दोस्तों पतंजलि कंपनी का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपको पतंजलि कंपनी का एलोवेरा जेल बहुत ही आसानी से जनरल स्टोर पे मिल जाते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसे भी इस तरह से जेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी मात्रा में आपको एक चम्मच इसका जेल निकाल लेना है एलोवेरा का। इसके बाद दोस्तों ये पाउडर की जो तरह देख रहे हैं दोस्तों, ये पाउडर है, ठीक है। ये दोस्तों नवरत्न कुल का पाउडर है, मैं आपको इसका डिब्बा दिखा देता हूँ। इस तरह से नवरत्न कुल का आपको पाउडर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोनों चीज क्यों लेना है और ये दोनों चीज घमूरी को क्यों ठीक करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एलोवेरा जेल होता है दोस्तों, ये घमूरी को खुजलाने से रोकता है, और यहाँ पे हमने जो पाउडर का प्रयोग किया है ये घमूरी को खत्म करने का काम करता है। तो मात्रा का ध्यान रखें, एक चम्मच तो आपको एलोवेरा का जेल लेना है, फिर कम से कम आपको आधा चम्मच की मात्रा में, ज्यादा नहीं लेना है इसे, कुछ ये लगभग इतनी मात्रा में आपको ये पाउडर लेना है। इसके बाद इन दोनों को मिक्सअप कर लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों ये भी आपको बात बता दूं कि इस नुस्खे से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इस नुस्खे की खास बड़ी बात यह है कि तेजी से काम करता है और मेडिकल में मिलने वाले लोशन की तरह किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो यह रेमेडी कुछ इस तरह से बन करके तैयार है, पूरा ये मिल चुका हुआ। आपको इस तरह से इसे लेना है, देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हूँ, इस तरह से आपको लेना है। और आपके जिस भी हिस्से में घमूरियाँ हैं वहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से लेयर के रूप में आपको लगा देना है, काफ़ी आराम मिलेगा। आप देखेंगे इसके 7 डे के प्रयोग से आपकी घमूरियाँ ठीक हो जाएंगे। मार्केट में मिलने वाले लोशन से बचें, अंग्रेजी दवा से बचें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ अंग्रेजी दवा बहुत ही नुकसान पहुँचाता है, तो देसी उपाय करें, देसी उपाय कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो यह थे छोटी सी जानकारी हमारे आज की जानकारी। यह वीडियो कैसे लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।